हाइट यार, हाइट एक ऐसा फैक्टर है लड़कों में, इतनी ज्यादा हाइप बना रही है ना लड़कियों ने कि हर लड़की को आज की डेट में चाहिए कि हाइट होनी चाहिए। बंदे के पास पैसा है लड़की को तब भी हाइट चाहिए, लड़के के पास अच्छी बॉडी तब भी लड़की को हाइट चाहिए, लड़के के पास बंगला गाड़ी घर सब कुछ है लड़की तब भी डिमांड करेगी कि भाई मेरे को तो हाइट वाला बंदा चाहिए। लड़का लॉयल नहीं है तब भी लड़की को हाइट वाला ही चाहिए। तो क्यों लड़कों को, लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए लड़कों में हाइट एक ऐसा हाइप बना दी गई है जिसकी कोई हद ही नहीं होती है। देखो लड़का कमा रहा है किसके लिए कमा रहा है, इन द एंड लड़की के लिए कमाता है। लड़का अपनी पूरी जिंदगी झोंक देता है बच्चों में बीवी में, तो स्टार्टिंग से ही कहानी स्टार्ट होती है लड़की को इंप्रेस करने के लिए। अगर समाज से लड़कियों को हटा दिया जाए तो लड़के तो लड़कों को दिखाने के लिए हाइट बढ़ाएंगे, लड़के तो नंगे घूम लेंगे, लड़के कहेंगे भाई मेरे पे भी यही सामान है तेरे पे भी यही सामान है, अब बता क्या बात करनी है। तो लड़कों को ये सारी शोबाजी लड़कों में लड़के ज्यादा नहीं करेंगे। हालांकि लड़की को इंप्रेस करने के लिए लड़के अपने एफर्ट्स पुट ऑन करते हैं, जैसे किसी की गाड़ी मांग ली, किसी के कपड़े मांग लिए, किसी की घड़ी मांग ली। क्यों? क्योंकि लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट पुट ऑन कर देते हैं। तो इसी चक्कर में उनको चाहिए कि भाई हाइट बढ़ानी, क्योंकि लड़की ने डिमांड कर दी लड़का होना चाहिए लंबी हाइट वाला 6 फुट का। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि कितने साल तक आपकी हाइट बढ़ सकती है। देखो लड़कों में 25 साल तक हाइट बढ़ सकती है, लड़कियों में 18 साल तक हाइट बढ़ सकती है। अगर किसी लड़की को हाइट बढ़ानी है तो उसका कोई भी एक्स वाई जी रीजन हो सकता है, बट लड़कों के अंदर मोस्ट कॉमन रीजन ये होता है कि पर्सनैलिटी अच्छी लगेगी। साथ में पर्सनैलिटी जब अच्छी लगेगी तो लड़की इंप्रेस आसानी से हो सकती है। तो उसके बाद हमारे स्कूल में सर ने यह बात डिस्कस करी थी कि 25 साल तक मेरी हाइट बढ़ी थी, उनकी हाइट गई थी 5 फुट 11 इंच के आसपास। अगर लड़कियों की हाइट थोड़ी सी ज्यादा छोटी जैसे कि 4, 10 या 5 फीट, तो ये वीडियो उनके लिए भी होने वाली है बिकॉज वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मिथ मैं क्लियर कर देता हूँ कि वर्कआउट करने से क्या हमारी हाइट पर इफेक्ट पड़ता है। देखो बहुत ध्यान से सुनना कि जो वर्कआउट करने से जब हमारा पोस्चर होता है, पोस्चर करेक्ट होता है, जैसे कि मैं अभी जिम नहीं करूँ तो मेरे शोल्डर मेरी चेस्ट कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, मैं ढीला ढीला सा फील करूंगा जैसे अभी दिख रहे हैं, मतलब इससे काफी ज्यादा बदतर सिचुएशन में देखोगे। जब ये ग्रो हो गए मतलब ब्रॉड हो गए दोनों चीज, तो मेरा पोस्चर हो गया ऐसा, शोल्डर अपने ऑटोमेटिक ब्रॉड हो गए, चेस्ट ब्रॉड हो गई, जिसकी वजह से पोस्चर करेक्शन से सामने वाला बंदा अगर मेरे को आइडेंटिफाई करेगा तो कहेगा भाई बंदे की हाइट 1 से 2 इंच आराम से बढ़ी हुई है। तो जिम जाने से कौन से फैक्टर से आपकी हाइट रुक सकती है वो बात कर लेते हैं। देखो जितनी भी आपकी ओवर हेडेड एक्सरसाइजेज हैं उसकी वजह से आपकी हाइट में डिक्लाइन देखने को हो सकता है, वो भी डिक्लाइन मात्र आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कॉम्प्रेशन देखने को मिलेगा। कॉम्प्रेशन मतलब हल्की सी ऐसी हो जाएगी, वो भी 1 सेंटीमीटर तक। अगर उसके बाद वो धीरे धीरे दोबारा टाइम के साथ रिकॉम्प्रेस हो जाती है, मतलब धीरे धीरे वो फिर से ऐसी हो जाएगी। जब आप ओवरहेड एक्सरसाइजेस करोगे, फॉर एग्जांपल शोल्डर प्रेस मार रहे हो ज्यादा वेट लगा के, तो आपकी हाइट के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कॉम्प्रेस हो जाएगी थोड़ी सी। उसके बाद अगर आप स्क्वाट्स मार रहे हो, हैवी वेट मार रहे हो, ओवर वेट मार रहे हो सपोर्टर के मतलब ट्रेनर के सपोर्ट लेकर, तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेस होगी वो भी 1 सेंटीमीटर की। तो इन दो एक्सरसाइजेस पे अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी जिम जाने से हाइट डेफिनेटली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कहीं से भी कोई भी मतलब मेरे को ये प्रूव नहीं कर सकता कि जिम जाने से आपकी हाइट कम होती है। उसके बाद मैं एग्जांपल दूं कि काफ की जो हमारी मसल है पैरों के अंदर, वो हमारी अभी ऐसे है, जब हम काफ की मसल डेवलप हो जाएगी तो वो काफ की मसल जब ऊपर उठेगी तो ऐसे हो जाएगी, तो 1 इंच हाइट आपकी वहां से देखने को बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। तो जिम जाने से तो फैक्टर प्रूव होगा कि हमारी हाइट डेफिनेटली बढ़ती बढ़ती है। उसके बाद डाइट की बात मैं नहीं करूंगा बिकॉज डाइट की वजह से वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी और बंदे स्किप करके फिर वीडियो लेंदी कर देंगे और मैं नहीं चाहता वीडियो लेंदी हो जाए। तो डाइट की बात हम बाद में करेंगे। वर्कआउट के अंदर कौन सी एक्टिविटीज उनको परफॉर्म करनी है जिसकी वजह से उनकी हाइट जल्दी से स्पाइक हो सकती है। देखो स्किपिंग एक ऐसा फैक्टर माना गया जिसकी वजह से आपकी पूरी लेग्स की मसल ट्रेंड हो जाती है और स्किपिंग करने से आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं। साथ में अगर आप अपनी अच्छी डाइट ऐड कर लेते हो तो आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और ज्यादा एक्टिवेटेड फील कर पाओगे आप। तो दोनों चीज आपको कैसे करनी है, आपकी लेग्स की वर्कआउट करनी है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आज की डेट में मार्केट में एक ऐसी साइकिल आती है जिसकी हाइट होती है इतनी, मतलब इतनी ऊपर गद्दी होगी उसकी और पैंडल के अंदर बीच के अंदर बहुत ज्यादा गैप होगा, क्योंकि जब भी आप उस साइकिल को चलाओगे तो जैसे जैसे आप उसको चलाओगे तो आपकी लेग्स की मसल ना कॉम्प्रेस होगी, मतलब जोर लगेगा उस पर। तो जितना ज्यादा लेग्स की मसल पर जोर लगेगा उतनी आपकी लेग्स की मसल ग्रो करेगी, आपकी हैमस्ट्रिंग आपकी ग्लूट्स आपके काफ सारा प्रॉपर मसल आपकी वर्क होगी और एक्टिवेटेड फील हो जाएगी वो। और जब आप उस साइकिल से खड़े होगे ना मतलब रेड लाइट पर रोकने के लिए, तो आपको जमीन पर उतर के खड़े होना पड़ेगा। तो वो साइकिल आप मार्केट में जाकर ले सकते हो, साथ में आप स्विमिंग कर सकते हो। स्विमिंग एक ऐसी एक्टिविटी मानी गई है कि जिसको पानी के अंदर जब आप जाके अपनी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो उसके अंदर 101% आपकी हाइट बढ़ेगी, क्योंकि उसके अंदर हमारी जो मूवमेंट होता है ना बॉडी का वो बहुत ज्यादा होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है। बहुत सारी चीज जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट करते हैं तो उसके अंदर हमें ग्रोथ देखने को जरूर मिलती है। उसके बाद आप साइकिल चला सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, अच्छी डाइट मेंटेन कर सकते हो, तो आपकी हाइट 101% ग्रो करेगी ही करेगी। साथ के साथ आप अपना मेडिटेशन कर सकते हो, अपना पोस्चर करेक्शन कर सकते हो, जो काउ
काउ स्ट्रेच होता है ना, काउ स्ट्रेच जैसे आपने वीडियो में यहाँ पे फोटो में देख रहे हो, ऐसा काउ स्ट्रेच आप करोगे तो आपका पोस्चर इंप्रूव होगा, जो कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है प्रॉपर तरीके से ऊपर नेक तक। मतलब स्पाइनल कॉर्ड बहुत लंबी होती है तो वो आपकी प्रॉपर कनेक्शन देखने को मिलेगी। वो जब तक आपकी ऐसे रहेगी तो आपकी हाइट गिट्ठी लगेगी, जब तक वो आपकी ऐसी नहीं रहेगी तब तक आपकी हाइट लंबी नहीं दिखेगी। तो ये सारे फैक्टर अपनी हाइट के अंदर ऐड कर लेते हो तो आपकी हाइट बढ़ेगी। और अगर जिनकी हाइट मतलब 18 से 25 साल के बाद वाले बंदे देख रहे हैं तो उनके लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि उनके लिए सर्जरी होती है, जो कि आपकी नी सर्जरी होगी, उसको वो कंप्रेस कर देते हैं, उसके अंदर 4 से 5 इंचेस आपकी हाइट देखने को मिल सकती है बड़ी हुई, बट उसके अंदर काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। 6 महीने की सर्जरी होती है, करवाना चाहो तो करवा सकते हो, वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, बट वो थोड़ी सी रिस्की होती है। तो 18 से 25 साल वाले अगर आप हाइट देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव बहुत होने वाली है। और एक एक्सरसाइज जो हमने मिस कर दी वो है हमारी लटकने वाली, और साथ के साथ एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आसन जो होता है वो होता है हमारा ताड़ासन। ताड़ासन के अंदर हम प्रॉपर तरीके से अपनी प्रॉपर मूवमेंट अपनी बॉडी का कर सकते हैं, जिसके अंदर ताड़ासन के अंदर हमें किसी को ताड़ना नहीं होता, बट इसके अंदर हमारे को सिर्फ अपने आप को ताड़ना होता है, जिसके अंदर प्रॉपर ऐसे करेंगे वो आपको यहाँ पे वीडियो के अंदर देखने को मिल रहा होगा। सो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने अपनी डाइट में और अपने स्टाइल में ऐड कर लिए तो आपकी हाइट बढ़ने से कोई माइकल आल रोक नहीं सकता। दिस इज आवर वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हार्ड वर्क डू।